दिल्ली के जहांगीरपुर में शनिवार को हनुमान जन्मोत्सव की शोभा यात्रा पर पथराव के साथ फायरिंग भी हुई थी। फायरिंग करने वाले आरोपी अंसार को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, उससे पूछताछ की जा रही है। वहीं पूरे इलाके में आरएएफ की तैनाती कर दी गई है। डीसीपी नॉर्थ वेस्ट उषा रंगनानी के अनुसार हिंसा में 8 पुलिसकर्मी और एक नागरिक घायल हुआ है। एक इंस्पेक्टर को उपद्रवियों ने गोली भी मारी है। वे अस्पताल में भर्ती हैं और उनकी हालत में सुधार है। उन्होंने आगे बताया कि हिंसा के बाद अमन कमेटी की बैठक की गई, जिसमें लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की गई है। रंगनानी के मुताबिक उपद्रवियों ने यहां आगजनी भी की, तलवार और गोलियां भी चलाई। इस मामले में पुलिस ने 14 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। पहले 9 लोग पकड़े गए थे, फिर 5 लोगों को अरेस्ट किया गया है। पुलिस के मुताबिक इलाके में तनाव है, लेकिन हालत पर काबू पा लिया गया है। वहां आरएएफ की 2 कंपनियां तैनात की गई है। दिल्ली के तमाम संवेदनशील इलाकों में पुलिस तैनात है और यहां हाई अलर्ट किया गया है। पुलिस की टीम ने इलाके के कई वीडियोस फुटेज हासिल किए हैं, इनमें कुछ लोगों की पहचान भी की जा चुकी है। अफसरों का कहना है कि दोषियों से सख्ती से निपटा जाएगा। दिल्ली पुलिस ने उपद्रव की जाँच के लिए 10 टीमें गठित की है। मामले की जांच क्राइम ब्रांच को सौंप दी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, मृदुभाषी न्यूज। वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, साथ ही मृदुभाषी से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।